بسم الله الرحمن الرحيم. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. سبحان الله، هذا الشيء هذا الشيء. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وحصل ما في الصدور السلام عليكم.
प्रेम है कि आज आप कुरान हकीम की इतनी अच्छी तिलावत एक छोटे बच्चे के मुंह से सुन रहे हैं। बाज़ लोगों का तसव्वुर है मदरसों की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों का दिमाग ख़राब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी आपने क़यामुल लैल में कुरान हकीम का 25वां पारा हाफिज़ इमरान के हवाले से सुना। यहाँ एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। सवाल यह है कि कयामत कब आएगी? इसमें दो बातें हैं, एक है वकूए कयामत, कयामत का होना एक अलग चीज़ है, और एक है कयामत का एग्जैक्ट टाइम क्या है वकू का। दोनों दो चीज़ें, कयामत का वकू, कयामत का आना एक चीज़ है, कयामत के आने का वकू का एग्जैक्ट टाइम क्या है, एक हैपनिंग, एक टाइम ऑफ हैपनिंग, एक है वकू होना, एक है वकू होने का वक्त। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताबुल मनाकिब में लाए, अन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सा फ़क़ाल मत सा। एक आदमी आता है, कहता है अल्लाह के रसूल एक सवाल करना है, पूछो। कहा कि कयामत कब आएगी, कब, टाइम पूछ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया, आपने खुद अलग से एक सवाल कर दिया, वमादा आदत्ता लहा, तूने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी। तो असल ये नहीं है कि कयामत कब आएगी, असल ये है कि तेरे पास कयामत के लिए तैयारी क्या है। तो उसने जवाब दिया, लाश है नथिंग, मेरे पास कोई तैयारी नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल एक बात मेरे अंदर है, ताकि वो क्या, इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये है, आमाल तो नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अंत मा मन अहबबता, जिससे तू मोहब्बत करता है तो उसी के साथ होगा। तो यहां वो शख्स आकर के पूछता है कि कयामत कब आएगी, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कि कयामत के वकू का एग्जैक्ट टाइम अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। अब जहां तक उसके वकू का सवाल है कि कयामत होगी, उसकी दलील दी जा रही है। बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आया। एक है हैपनिंग, वाकई होगी होना ही है, उसकी दलील दी जा रही है। अब टाइम ऑफ हैपनिंग, उसका इल्म अल्लाह का, तो होगी उसकी दलील दी जा रही है। इलैही युरद्दु इल्मु साह, उसी की तरफ कयामत के इल्म को लौटाया जाएगा, यानी अल्लाह ही को कयामत के एग्जैक्ट ओको का इल्म। रहा उसके वाके होने की दलील, फरमाएगा وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَزَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ کہ ایک عورت کے دیکھو جو حمل سے ہے، ظاہر ہے کہ پیٹ میں حمل ہے، ابھرا ہوا پیٹ اس بات کی دلیل ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، آئے اب بچہ پیدا ہوگا، वकू है उसका, ये तो सबको मालूम है। पेट का बढ़ा हुआ होना इस बात की दलील है कि बच्चा होने वाला है, लेकिन कब होगा अल्लाह के अलावा किसी को मालूम, दलील दे दी।
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. एक दलील और दी गई, वमा तखरुज मिन थमरातिन मिन अकमामिहा, किसी फलदार दरख्त को देखो उसका खोशा निकला हुआ है, वमा तखरुज मिन थमरातिन मिन अकमामिहा, उसका जो कुम्भ है, कुम्भ माने शगुफा, शगुफा निकला हुआ है। अब शगुफा इस बात की दलील है कि फल जरूर आएगा, शगुफा है ना, अलामत है कि फल जरूर आएगा, तो फल के आने का यकीन है मगर एग्जैक्ट कब आएगा ये नहीं। तो तुम इतना देख करके कि पेट में बच्चा है निकलेगा जरूर, शगुफे को आप देख रहे हैं, शगुफा इस बात की दलील है कि फल जरूर निकलेगा, तो इस चक्कर में क्यों पड़ते हो कि कब निकलेगा, इस पर तो यकीन है ना कि निकलेगा, बस ये काफी, ये दलील, ये दलील। इलैहि युरद्दु इल्मु सा वमा तखरुजु मिन थमरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़ऊ इल्ला बिइल्म। क्या किताब है सुभान अल्लाह, दलील देने का ये अंदाज हैरतनाक भी है और ताज्जुब अंगेज भी। उसके बाद ये बात बयान की जा रही है कि आफाक में और अनफुस में हम अपनी निशानियां लोगों को दिखा देंगे ताकि उन पर ये बात वाज़े हो जाए कि कुरान का एक एक बयान सच्चा है। फरमाया गया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक। हम आफाक में और अनफुस में, आदमी का वजूद ये अनफुस है और आदमी के वजूद के बाहर जो कुछ है वो आफाक है। समझ में आया, अनफुस किसको बोलते हैं और आफाक किसको बोलते हैं। आदमी का ये पूरा वजूद ये अनफुस है और आदमी के वजूद के बाहर जो कुछ है वो आफाक है। तो हम अनफुस में और आफाक में ऐसी निशानियां दिखाएंगे अपनी जिससे ये बात वाज़े हो जाएगी कि कुरान का एक एक बयान सच्चा है। अच्छा, कुरान का एक बयान है कि अमल तौला जाएगा। अब मुशरिकीन ये कहते थे कि अमल कोई आलू प्याज थोड़ी है कि उसको तौला जाए, अमल दिखाई थोड़ी देता है, अमल पकड़ में थोड़ी आता है। तो अमल पकड़ में नहीं आता, अमल बजाय कोई वजनी चीज नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए तराजू कायम करने की क्या जरूरत है। तराजू में तो वजनी चीज तौली जाती है, जो चीज पकड़ में ना आए, जो चीज दिखाई ना दे, तो कोई आलू प्याज थोड़ी है कि उसको तौला जाए। मुशरिकिन मजाक उड़ाते थे, कहते थे अमल भी तौली जाने वाली चीज है क्या। लेकिन बाद में जलजला पैमा, हरारत पैमा, इन सारी चीजों के ईजाद ने इस बात को साबित कर दिया कि आराज को भी तौला जा सकता है। आराज जैसे बुखार, बुखार पकड़ में आता है क्या, बुखार किसी ने देखा कैसा होता है, वो आरज है। तो अगरचे वो आलू प्याज की तरह नहीं है लेकिन हरारत पैमाने ये बता दिया कि इसका वजन कितना है, बुखार कितनी डिग्री का है ये बता देता है। जलजला जो आया, जलजले की शिद्दत क्या थी उसको जलजला पैमा नाप करके बता देता है। इसका मतलब कि जलजला दिखाई नहीं देता, जलजले को छुआ नहीं जा सकता, जलजला क्या होता है मालूम नहीं, वो तो उसके आने से जमीन का निजाम दराम बराम होता, तो हम कहते जलजला आया, लेकिन व्हाट इज जलजला, जलजला है क्या वो किसको मालूम है, पकड़ में आता है क्या। लेकिन जलजला पैमा ने ईजाद होकर के बात बता दी कि आराज को भी तौला जा सकता है, जो चीज पकड़ में ना आए, दिखाई ना दे, उसको तौला जा सकता है। कुरान ने यह कहा कि तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ तुम बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे सूरह काफ के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आदमी अपनी जबान से जो कुछ निकालता है या जो भी हरकत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हरकत को भी नोट करवा देता है और उसकी बात को भी, हर चीज रिकॉर्ड कर ली जाती है। लोग कहते थे मुंह से आवाज निकली फजा में फना हो गई, अब फजा से उसको कैसे कशीद किया जा सकता है, आवाज निकली फना हो गई,
आदमी ने कोई हरकत की, उस हरकत को कोई रिकॉर्ड करने वाली चीज मौजूद नहीं है, लेकिन टेप रिकॉर्डर आया और रील के अंदर आवाजों का मौजूद होना, आवाजों का जज्ब हो जाना और फिर रिवाइंड करके उसको सुन लेना, ये इस बात की दलील हुई कि आवाजों को महफूज किया जा सकता है। फिर ये वीडियोग्राफी आई, वीडियोग्राफ ने आकर के ये बताया कि जिंदगी की तमाम हरकत और सकनात को महफूज किया जा सकता है। अगर सीडी मौजूद रहे, आदमी मर जाए, जब तक सीडी मौजूद है अपनी असली हालत के अंदर, तब तक उसकी जिंदगी के वो हरकत और सकनात जिनको रिकॉर्ड किया गया है दोबारा रिवाइंड करके उसको देखा जा सकता है। ये बात भी हो गई। कुरान ने कहा कि सूरज और चांद ये माबूद नहीं है, ये तुम्हारे खादिम है, तुम्हारे नौकर हैं, ये तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं। लोग चांद की पूजा करते थे, लेकिन इंसान ने चांद पर कदम रख करके बता दिया कि देखो तुम इसको देवता मानते थे, हम इसके ऊपर चढ़ गए। देवता के ऊपर कोई चढ़ जाता है क्या? कहा कि तुम इसी की पूजा करते थे, देखो हम यहां तक पहुंच गए हैं। कुरान ने कहा था ये माबूद नहीं हो सकते, इंसान ने पहुंच करके बता दिया कि माबूद नहीं हो सकते, इनको ऊपर सवार हो गए। इसी तरह कुछ बातें अभी कुरान की, जैसे दाबतुल अर्ज है, जमीन से चौपाया निकलेगा वो बात करेगा लोगों से, इसी तरह कुछ चीजें और हैं, याजूज माजूज हैं, कौन है वो, कुछ बातें अभी अपने वकू में वक्त की मुंतजिर हैं। वक्त आएगा तो इंसान देख लेगा कि याजूज माजूज क्या है, ये देख लेगा कि दाबतुल अर्ज क्या है। कुछ चीजें अपने वकू में वक्त की मुंतजिर हैं, वक्त आएगा लोग देख लेंगे, हम नहीं तो हमारी नस्लें देख लेंगे। कुरान में था कि तकरीबन 1,500 किलोमीटर के फासले से पूरा तख्त उठ करके यरूशलम आ गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो मलके बिल्किस के तख्त को शहरे सबा से पूरा तख्त उठा करके मेरे दरबार में ले आए। जल्द अज जल्द एक जिन्न ने कहा, और वो भी इफ्रीत, قال افریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك, दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं उठा करके ले आऊंगा। अल्लाह ताला ने जिन्नों को इतनी ताकत दे रखी है, देखिए बस बस जिन इंसानों को पकड़ लेते हैं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया वरना उस आदमी की जिंदगी खराब कर देते। قال افریت من الجن, एक इफरीत ने कहा जिन्नों में से कि मैं दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा, यानी बस चंद मिनटों में ले आऊंगा। एक इल्म वाले ने कहा चुप बैठ, तू दरबार बर्खास्त होने तक लाएगा। قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه, पलक झपकने से पहले हजरत, आपकी पलक इससे पहले झपके, पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। इतनी देर में ले आया, इतनी देर में ले आया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने इसके ऊपर वैसे ही ईमान रखा जैसे कि अपने वजूद के ऊपर कोई ईमान रखता है। लेकिन आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगरचे वो मादी चीज नहीं आती, लेकिन मादी चीज की तस्वीर हजारों मील के फासले से पलक झपकते आ जाती है, वीडियो में आ जाती है, या इसी तरीके से मोबाइल के अंदर आ जाती है। देखिए बिल्कुल मौजजे के करीब पहुंच चुके साइंस, मौजजा नहीं दिखा सकती लेकिन मौजजे के करीब पहुंच गई, वहां वो चीज ही आ गई थी। मोबाइल में वो चीज नहीं आती हजारों मील के फासले से, उसकी तस्वीर आ जाती है, आवाज आ जाती है, तस्वीर आ जाती है, वो चीज बेन ही वहां से यहां मुंतकिल नहीं होती। कोशिशें जारी है कि मैटर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। उन्होंने टनल में सुरंग वगैरह के अंदर इस बात का तजर्बा भी किया है, शायद कुछ मीटर तक ये लोग मादे को भी मुंतकिल कर रहे हैं, पता नहीं क्या अंदाज है उसका, कोशिशें जारी है। कुरान ने यह भी बताया कि आदमी सामने से गुजर जाए, दिखाई नहीं देता, ना दिखने वाला आदमी, अनसीन मैन, गैर मरई आदमी। अब तक साइंस इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि आदमी ना दिखाई दे,
لیکن وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون, ہم نے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے بیچ سے نکل گئے اور دکھائی نہیں دیے. پتا یہ چلتا ہے کہ سائنس اس نتیجے پر بھی پہنچ جائے گی کہ آدمی دکھائی نہ دے, سامنے کھڑا رہے اور دکھائی نہ دے, ممکن ہے. سائنس کی تمام بنیادیں تو قرآن حکیم نے فراہم کی, سائنس کی تمام بنیادیں قرآن حکیم نے فراہم کی. پہلے یہ تھا کہ آئٹم ٹوٹتا نہیں ہے, کسی مفرد کو کاٹتے چلے جاؤ توڑتے چلے جاؤ, جیسے آکسیجن کو توڑتے چلے گئے آخری جو بچا جس کی تجزی نہ ہو سکے, اگلی تقسیم نہ ہو سکے, اس کو کہتے ہیں آئٹم. بولے آئٹم تقسیم نہیں ہوتا. قرآن حکیم نے ایسے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کر دی کہ آئٹم ٹوٹ جائے گا, بتا دیا. ولا اصغر من ذلك مثقال ذرۃ ولا اصغر ولا اکبر من ذلك, کہ ذرے کے برابر ہو یا ذرے سے چھوٹا ہو. ذرہ معنی آئٹم, ذرے سے چھوٹا. دیکھو ذرہ ہے نا, ذرہ آئٹم, ذرے سے چھوٹا. چھوٹا کیسے ہوگا, جب تقسیم ہوگی تبھی نا چھوٹا ہوگا. اور سائنسدانوں نے آئٹم کو تقسیم کر دیا نیوٹرون پروٹون اور الیکٹران کی طرف, اور الیکٹران کے اوپر تو پورے برقیات کی بنیاد ہے. اللہ ایٹم کو تقسیم کر کے بتا دیا. اور قرآن حکیم نے سورہ یونس کے اندر اس بات کو بیان کر دیا کہ ذرہ یعنی ایٹم, ایٹم سے بھی اصغر کوئی چیز ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ایٹم سے اصغر, اصغر سے ایٹم سے چھوٹی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایٹم کی تقسیم ہو, ایٹم کی تجزی ہو, اور تجزی کر کے بتا دیا انہوں نے الیکٹران پروٹون اور نیوٹران کی طرف. الیکٹرون پر مائنس چارج ہوتا ہے, نیوٹرون نیوٹرون ادھر کوئی چارج نہیں ہوتا, اور پروٹون پر پلس چارج ہوتا ہے. جی, تو اس طرح ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے, ایٹم تقسیم ہو سکتا. تو سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ قرآن کا ایک ایک اصول ایک ایک بیان برحق ہے, مبنی برحق ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے آکار ہے, آکار ہے اس کا. جو لوگ کہتے ہیں نیراکار ہے غلط ہے, ہم لوگ نیراکار نہیں مانتے اس کو, اس کا آکار ہے. ہاتھ ہے, دو ہاتھ ہے, پیر ہے, ہاتھ ہے اس کے, پیر ہے اس کے, اس کی آنکھیں ہیں, کان ہے, سنتا ہے, آنکھیں ہیں, دیکھتا ہے, ساری صفات اس کے اندر موجود. لیکن اب پوچھا جائے کہ ہاتھ ہیں کیسے ہاتھ ہیں, معلوم کیفیت موجود ہے. اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی پوری صفات کو بیان کر دیا گیا ہے. سننے والا ہے, کان ہے, بصیر ہے, دیکھنے والا ہے, لیکن لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی چیز نہیں. جیسے ہم لوگ اب کان رکھتے ہیں اس طریقے کا اور ہم سنتے ہیں, تو آدمی یہ سوچا ایسے ہی کان ہوں گے, کیفیت مجھول ہے, کیفیت مجھول. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکام دیے ہیں. پورے قرآن میں آیت الکرسی کے بعد اتنی جامع آیت کہیں نہیں, اس میں خدائی احکام کا ایک مجموعہ دیا گیا ہے. دیکھیے فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. ایک ہی آیت میں خدائی احکام کے 10 نسخے بتا دیے گئے. کیا بتا؟ فَلِذَلِكَ فَدْعُ, توحید کی دعوت دیتے رہیے چاہے کتنی بھی پریشانی آئے, توحید کی, اسلام کی دعوت دیتے ہی رہیے, قرآن کی دعوت دیتے ہی رہیے چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائے. فَلِذَلِكَ فَدْعُ, اسی کی طرف بلاتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر جم جائیے, افراط اور تفریط میں مبتلا مت ہوئیے.
जो भी उसूल दिया गया है ना आप उसके आगे बढ़िए ना उसके नीचे आइए, जैसा उसूल है उसको उसी तरह बरतिए। दो, तीसरे वला तत्तबे अहवाअहुम, और इसमें किसी आदमी की मुखालफत की परवाह मत कीजिए, कितनी भी मुखालफत करे उसकी मुखालफत की परवाह मत कीजिए। और चौथे वकुल आमंतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, और ये ऐलान कर दीजिए कि इस किताब के ऊपर और इससे पहले जितनी किताबें हैं मैं सब पर ईमान रखता हूं, ऐलान कर दिया गया। वो उमिरतु लि आदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया है चाहे मसला मेरे खिलाफ ही क्यों ना जाता हो, फैसला मेरे खिलाफ ही क्यों ना होता, मैं अदल करूंगा, हमेशा मैं इंसाफ की बात करूंगा, ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, तुम्हारा परवरदिगार भी अल्लाह, हमारा परवरदिगार भी अल्लाह। लना आमालना व लकुम आमालुकुम, तुम्हारा आमाल तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, हमारे आमाल हमारे लिए, हमारे अमलों का फायदा तुम्हें पहुंचने वाला नहीं, तुम्हारे अमलों का फायदा हमें पहुंचने वाला नहीं। ला हुज्जता बैनना व बैनकुम, अब दलील आ गई है तो हमारे और तुम्हारे दरमियान किसी और दलील की जरूरत नहीं है, अल्लाह की दलील काफी है। अल्लाह यजमा बैनना, ये मत समझो कि मौत की सरहद पर सारा मामला खत्म है, अल्लाह आपको जमा करने वाला है। वइलैहिल मसीर, और एक दिन उसी की तरफ लौट करके जाना है। एक आयत है लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरे समंदर को एक कूसे के अंदर लाकर रख दिया गया, एक ही आयत है। उसके बाद ये बताया गया मन कान युरीद हरतल आखिरत नज़िद लहु फी हर्सी वमन कान युरीद हरतद दुनिया नूतिहि मिन्हा वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। इस दुनिया में दो आदमी खेती करते हैं, एक आखिरत की खेती करता है, दुनिया की खेती। दोनों के बारे में एक अजीब उसूल बताया गया कि जो आदमी आखिरत की खेती करता है तो हम आखिरत की खेती की कद्र करते हुए हम उसे आखिरत भी देते हैं, और दुनिया में रह रहा है तो दुनिया तो हम उसे देते ही है। देखो, जो आखिरत की खेती करता है उसे आखिरत भी मिलेगी दुनिया भी, और जो सिर्फ दुनिया की खेती कर रहा है तो दुनिया उसको इतनी मिलेगी जितनी हम देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। लिहाजा सेफ तरीका क्या है, आखिरत के लिए मेहनत की जाए, यही तो है। वो मानो फिल आखिरत मिन नसीब, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। फिर से सुनिए, ये दुनिया एक खेती है, इंसान किसान है, और आमाल ये खेती का हासिल है, बराबर है। अब एक आदमी एक किसान यहाँ खेती करता है आखिरत की, तो उसको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी, बराबर। और एक आदमी सिर्फ दुनिया की खेती कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है दुनिया की खेती कर रहा है, लेकिन हम जितना चाहेंगे दुनिया मिलेगी उसको, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। लिया सेफ तरीका यही है, महफूज तरीका यही है कि आदमी इस दुनिया में खेती करे तो आखिरत की खेती करे, इसलिए कि आखिरत भी मिलने वाली है और दुनिया में है तो दुनिया मिलने ही वाली है उसको। सिर्फ आखिरत की खेती की तरफ ध्यान रखे, सिर्फ दुनिया की खेती के अंदर अपने आप को न मुनहमिक कर ले, मशगूल कर ले, और आखिरत को फरामोश कर दे, इसलिए कि ऐसा अगर वो करेगा तो आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। उमाल फिल आखिरत मिन नसीब। उसके बाद एक हकीकत बयान की गई, इश्तराकियत का रद्द किया गया, कम्युनिज्म का रद्द किया गया। इश्तराकियत का रद्द इस तरह, वो कहते हैं सारे लोग काम करें और सबको बराबर बराबर तनख्वाह दी जाए। इनको कितनी जरूरत है इनको इनकी जरूरत पर खर्चा दे दिया जाए, उसको कितनी जरूरत है उसको उतना खर्चा दे दिया जाए, मेहनत के ऊपर खर्चा नहीं है। कहते हैं ये गैर फितरी तकसीम है, इश्तराकियत का ये उसूल बिल्कुल बोसीदा और बिल्कुल बेबुनियाद है, दम नहीं है इस उसूल में। क्यों? दलील दी जा रही है, नहनु कसम ना पई नहम मईशतम फिल हयात दुनिया। खुलासा ये कि आदमी की सलाहियतें मुतफावित हैं, आदमी की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, अच्छा तो फराइज भी मुख्तलिफ, अब फराइज भी मुख्तलिफ हैं तो उसकी उजरत भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। सलाहियतें मुख्तलिफ तो फराइज भी मुख्तलिफ, फराइज अगर मुख्तलिफ हैं तो उजरत भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये क्या कि एक इंजीनियर की तनख्वाह और एक लेबर की तनख्वाह बराबर हो, याद रहे याद हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए तो कोई आदमी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेगा, अगर एक डॉक्टर की और एक लेबर की एक मजदूर की तनख्वाह बराबर कर दिया कोई डॉक्टर ही नहीं पढ़ेगा। तो देखिए, जो सलाहियत डॉक्टर की है इंजीनियर की, वो सलाहियत लेबर की नहीं है, सलाहियतें मुतफावित है और फराइज दोनों के अलग अलग, उसे ईंटें ढोनी है और इसे मरीजों को देखना है, दोनों के फराइज अलग अलग, फराइज अलग अलग है तो
उजरतें भी अलग अलग होनी चाहिए, इसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसको कम पैसा मिलना चाहिए, उजरतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर सलाहियतें मुख्तलिफ, फराइज मुख्तलिफ, फराइज के मुख्तलिफ होने के बावजूद अगर उजरत एक कर दी जाए तो यह अदल नहीं होगा। कुरान हकीम ने कहा कि इश्तराकियत का फलसफा बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसलेस है, उसमें कोई दम नहीं। उसके बाद कहा कि किसी के पास शैतान आ जाता है और आदमी का कुछ काम भी कर देता है और लोग कहते हैं हमने मुवक्किल पाल रखे, वो पाल नहीं रखे हैं, उस आदमी को गुमराह करने के लिए उसके साथ लग जाता है और उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, जितनी गंदी और हराम चीजें हैं सब उसे खाना पड़ता है और करना पड़ता है। अल्लाह ने फरमाया उमैं याशुअन ज़िक्रिर रहमान नुकय्यिज़ लहु शैतानन फहुव लहु क़रीन, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करता है हम एक शैतान को उसके साथ लगा देते हैं, वो उसका दोस्त बन जाता है और कुछ काम उसके लिए कर देता है, वो भी गुमराह हो जाता है। और ये शख्स जिस आदमी की तरफ उसको बुलाता है या जिस आदमी को अपनी तरफ दावत देता है वो भी गुमराह हो जाता है। तो इसका मतलब इंसान शैतान से कुछ काम करा सकता है लेकिन शैतान की पूजा के साथ। एक वाक्य मैंने पढ़ा सराते मुस्तकी में निकलता बरमंगम से, उसमें एक वाक्य लिखा था कि पाकिस्तान में एक साहब थे तो उनकी विलायत का और उनकी बुजुर्गी का नेकी का बड़ा चर्चा था। कभी कभी तो ऐसा होता कि लोग हज के लिए जा रहे होते और हज करने के लिए मक्का पहुंच जाते तो ये हज करने के लिए नहीं गए होते थे मगर मिना में मिलते, अराफात में मिलते, और वहां से जब आते तो इनको मुबारकबाद देने के लिए आते, हजरत अरे आपसे मुलाकात हुई थी ना मिना में, आपसे अराफात में मुलाकात हुई थी, तो ये सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते और लोग समझते थे बहुत बड़े वली हैं, बड़े बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जब ये मर गए साहब, कहां की खजूर चाहिए, बोले इराक की, खजूर आ गई, क्या चाहिए लो, उनकी बुजुर्गी का बड़ा चर्चा। अब जब वो आदमी मर गया तो इनके बेटे जो मदीना यूनिवर्सिटी के गालिबन फाजिल थे, आलिम थे, वो बाप के तदफीन के बाद आए बैठे अपने कमरे में तनहा थे, अचानक एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खोल दिया, देखा कोई है नहीं, एक बूढ़ा आदमी खटखटा रहा दरवाजा, मैं अंदर आ सकता हूँ, आ जाए। तुम्हारे अब्बा कैसे थे, अरे मेरे अब्बा के बारे में दुनिया कहती है बड़े बहुत बुजुर्ग थे और बहुत बड़े वली थे, उनके बारे में दो राय तो है नहीं। कहा कि आप भी वैसे बनना चाहते हैं, कहते यकीनन मैं वैसे बनना चाहता हूँ। कहा ये आपका बाग है कोई गुंजान घना, चलिए ले गया। अब ये हैरान है कि ये बूढ़ा मेरे बाग के बारे में कैसे जानता है और मेरे बाप के बारे में कैसे जानता है। बाग में ले गए तो गुंजान दरख्तों के दरमियान पूरब और पश्चिम की तरफ जमीन को लीपा हुआ था और मुसल्ले की शक्ल बनी हुई थी, जमीन पर लीपा हुआ था, इसे जैसे मुसल्ला होता है पूरब पश्चिम। कहा कि तुम्हारा बाप मुसलमान नहीं था, वली नहीं था, काफिर था वो, हर जुमेरात के दिन मैं आगे यहां खड़ा हो जाता था और वो मुझे सजदा करता था, मैं इंसान हूं, मैं शैतान हूं, गायब हो गया, हमारा बाप काफिर था, इसलिए कि वो मेरी परस्तिश करता था, मुझे यही सजदा करता था जुमेरात के दिन और बदले में मैं ऐसे कर्तव्य दिखा दिया करता था। देखिए तो किसी को अगर इस तरीके से करता हुआ पाए तो ये दलील नहीं है कि वो बहुत बड़ा वली है, ये इस्तिदराज है, शायद उसने शैतान पूज रखा और काफिर हो, ऊपर से तो वली दिख रहा है। इससे पता ये चला कि खरके आदत चीजों का जहूर ये विलायत की दलील नहीं है, विलायत की दलील ये है कि आदमी किताब और सुन्नत का कितना पाबंद है, जो आदमी किताब और सुन्नत का जितना ज्यादा पाबंद उतना ही बड़ा वली है। आज क्या समझा जाता है, जितनी बड़ी कब्र उतना बड़ा वली, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने से मना किया है। आज जितना बड़ा मजार उतना बड़ा वली, न नमाज पढ़ता है न रोजा रखता है, बैठे बैठे काबा में घुसने वाले कुत्ते को हकाल देता है दूर दूर करके, ये हाल है। हम हैं ना, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो इनकी बड़ी बड़ी कब्रें बना ली जाती है और कहा जाता है कि ये मजजूब थे, पहुंचे हुए थे,
पहुंचे लेते बोलते, जबकि कहीं नहीं पहुंचे होते, शैतान इनके साथ हो जाते हैं, शैतान के साथ, शैतान के पास पहुंचे हुए होते हैं, अल्लाह के पास नहीं पहुंचे होते, शैतान के पास पहुंचे हुए होते हैं। जैसा कि कुरान हकीम ने कहा, वमन याशुअन ज़िक्र रहमान नुकय्यिज़ लहु शैतानन फहुवा लहु क़रीन, जो अल्लाह के जिक्र से हरास करता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, शैतान की परस्तिश में लग जाता है, तो शैतान एक शैतान हम उसके साथ कर देते, दोस्त बन जाता है उसका और कुछ काम वगैरह कर देता है, और लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा वली। सूरह दुखान है, सूरह दुखान के अंदर इसी शबे कद्र की फजीलत बयान की गई है। वो जो शबे बारात कहते हैं, वो 15वीं शाबान को, उसका कोई सबूत नहीं है, ना रोज़ों का सबूत है, ना नमाज़ों का सबूत है, ना रात में जा कर के कब्र पर तरह तरह की हरकतें करने का कोई सबूत है, इस तरीके की किसी भी हरकत का सबूत मौजूद नहीं, ना रोज़े का, ना उस रात नमाज का, ना जागने का, ना कब्रों पर जाने का, और बड़े धड़ल्ले के साथ मनाया जाता है शबे बारात के नाम से। और इन्हीं आयात से इस्तदलाल किया जाता है, ये जो सूरह दुखान में हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम अमरन मिन इंदिना। देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने कुरान हकीम को इसी रात में नाजिल किया है, गोया रमदान रमदान है कुरान की वजह से, पूरा क्रेडिट कुरान के हक में जाता है, ये इसी रात नाजिल हुआ, लिहाजा इस रात की फजीलत जानते हैं, 1000 महीनों के बराबर है। अगर ये रात किसी को मिल गई तो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने महीनों की इबादत का सवाब मिल गया, शर्त यह है कि वो इस रात को पाले। बड़े मुबारक हैं वो लोग जो यकसू हो गए हैं अल्लाह की तरफ, और कोशिश उनकी ये होती है कि अल्लाह की तरफ यकसू होकर के इस रात को पाएँ, और ख़ासतौर से नौजवान अगर इस तरीके की कोशिशें करें तो वो काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। तो इस रात को जिसने पा लिया, दर हकीकत उसने 1000 महीने की इबादत का सवाब पा लिया। और बताया गया कि इस रात को बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं साल भर के लिए, फीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम, मीकाइल को पूरी लिस्ट दे दी जाती है, किस आदमी को कितना देना है, कितनी रोज़ी देनी, कितना पैसा देना है, किस दिन कितना उसको मिलना है, वो सब लिख दिया जाता है, किस आदमी को किस दिन मरना है, अगला रमज़ान किसको नहीं देखना है, पूरी लिस्ट हजरत मलकुल मौत को संभाल थमा दी जाती है, जितने लोग हैं ये अगले साल नहीं रहेंगे, लिस्ट दे दी गई, किसको कितनी रोज़ी मिलनी है, ये पूरी लिस्ट दे दी गई, इनको इतना मिला, इनको इतना मिलना, इनको इतना, फीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम, और हर फैसला हकीमाना होता है। तो बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, ये कोई मामूली रात नहीं है, और फरिश्ते आते हैं, तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह, हज़रत रूहुल अमीन आते हैं, क्यों भाई, हज़रत रूहुल अमीन तो इसी रात को तो लेकर उतरे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान हकीम, जिस रात उतरे थे उस रात के अंदर जब तक कयामत नहीं आ जाती इस रात के अंदर बराबर उतरते रहेंगे वो, वही एक रात है। अब वो गड़बड़ हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जैक्ट बता दिया गया था कि कौन सी रात है, 21वीं है कि 23वीं है कि 25वीं है कि 27वीं है कि 29वीं है, बता दिया गया था, वो ही बताने के लिए आप निकले थे, देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं, फतलाह रजुलैन मिनल मुस्लिमीन, दो मुसलमान लड़ रहे थे, बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज बुला दी गई, जैन से निकाल दी गई। अब वो दोनों आदमी पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल, लगता है कुछ बताने के लिए आप निकले थे, अरे कहा कि मुझे लैलतुल कद्र को का एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया था, वो कौन सी रात है, 21वीं 23वीं 25वीं कौन सी रात, वो बता दी गई, वो बताने के लिए निकला था, लेकिन ये तुम दोनों जो झगड़ रहे थे ना, झगड़े की वजह से मेरे जहन से वो बात निकाल दी गई, अब 5 टाकरा तुम उसे तलाश करो। देखो इसका मतलब ये कि मुसलमानों का आपसी झगड़ा ये सिर्फ उनका आपसी झगड़ा नहीं है, बल्कि उसका असर दीन के ऊपर पड़ता है, मुसलमानों की आपसी लड़ाई का असर सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका असर दीन तक मुमतद हो जाता है। अब देख रहे हैं, अब ये 5 टाकरातें हमें जागनी है, और 5 टाकरातों में उस रात को पकड़ना है, जो पकड़ ले गया, जिसको वो रात मिल गई, पूरी रात सलामती की है। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लिए हुए सलाम करते हुए गुजरते हैं, और जिसके सामने से गुजर गए और वो टाकरात की तलाश में है, समझो उसको वो रात मिल गई, और ये मामला सुबह तक रहता है, हत्ता मतलब फज्र सुबह तक रहता है, और जैसे सुबह काजिब खत्म हुई, सुबह सादिक हुई, तो वो लोग निकल जाते हैं, सुबह तक रहते हैं। उसके
उसके बाद एक अजीब बात फरमाई कि फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। उसके बाद एक अजीब बात कही, फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्द, ये लोग तबाह बर्बाद हो गए लेकिन इन पर आसमान नहीं रोया, जमीन नहीं रोई। अल्लाह, पूछा गया तफसीर में कि आसमान के रोने का क्या मतलब है और जमीन के रोने का क्या मतलब है। बताया गया कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका आसमान में एक दरवाजा ना हो और उसके आमाल उस दरवाजे से चढ़ते ना हो। अब अगर नेक आदमी है तो उसके आमाल उस दरवाजे से चढ़ते हैं और जब वो मर जाता है तो आसमान रोता है कि इस दरवाजे से उसके नेक आमाल चढ़ते थे, अल्लाह का नेक बंदा था, अब वो दरवाजा बंद हो गया इसलिए कि वो मर गया, तो आसमान रोता है। और अगर कोई बुरा आदमी मरता है तो आसमान नहीं रोता। खसकन जहां पाक, उसके पूरे आमाल इस तरफ से जा रहे थे और अब वो मर गया, तो आसमान और जमीन बुरे आदमियों के मरने पर नहीं रोते हैं, अच्छे आदमियों के मरने पर रोते हैं। तो ये आसमान का रोना हुआ और जमीन का रोना क्या हुआ, जहां वो इबादत करता है, जहां अल्लाह का फरमा बरदार चलता है, जमीन पूरी मोहब्बत से मोहब्बत करती है, अशजार मोहब्बत करते हैं, दरख्त उससे मोहब्बत करते हैं, पत्थर मोहब्बत करते हैं, वो तो हदीस पाक है, वल अब्दुल फाजिरु यस्तरीहु मिनहुल बिलाद वल अशजार, दरख्त भी फाजिर आदमी के मरने पर सुकून महसूस करते हैं। अरे खसकम जहां पाक, दरख्तों को भी तकलीफ होती है अल्लाह के नाफरमानों से, ये पकाए हुए था पूरी जिंदगी, हम लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा था, दरख्तों को तकलीफ होती है अल्लाह के नाफरमानों से। और बेलाद कहा गया, बेलाद का मतलब होता है पूरा शहर, शहर की गली, जिधर से गुजरता है गलियां कहती है कौन है ये जा रहा है, ये गंदा आदमी। जमीन कहती है कौन मेरे ऊपर चल रहा है, अल्लाह के नाफरमानों से शहर नफरत करते हैं। और जब वो मर जाता है तो सुकून का सांस लेते हैं कि बोझ था मैं उतर गया सर से, एक बोझ था जो सर से उतर गया, खस कम जहां पाक। लेकिन कोई अच्छा इंसान मरता है तो जहां वो चलता है अल्लाह का फरमाबरदार, वो जमीन रोती है, मस्जिद पकड़ा हुआ तो मस्जिद रोती है, कि यहां अल्लाह तबारक व तआला का एक फरमाबरदार इबादत किया करता था, मस्जिद रोती है, मस्जिद की जमीन रोती है। तो फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्दु मा कानू मुनज़रीन, आसमान और जमीन उनके मरने पर नहीं रोए, इसका मतलब आसमान और जमीन रोते हैं। उसके बाद तमाम बुराइयों को तीन उनवानों में समेट दिया गया है, बुराइयों को तीन उनवानों में, इस्म, फहशा और गजब, इन तीनों बुराइयों को तीन उनवानों में समेट दिया गया तमाम बुराइयों। इस्म किसे बोलते हैं, इस्म कहते हैं हक तलफी की राह से जो गुनाह हो उसे इस्म कहते हैं, और जिंसी ख्वाहिश की राह से अगर कोई बुराई हो तो फहशा है, और अगर गुस्से की राह से, अगर अनानियत और इस्तिकबार की राह से कोई काम हो तो वो गजब है, और अगर तुगयान और सरकशी और तमर्रुद की राह से कोई गुनाह तो बग़्य है। वल्लज़ीन इज़ा असाबहुम अल-बग़्य, आगे फरमाया गया बल्कि चार अनामी में समेटा गया, एक तो इस्म, फहशा और तीसरे गजब और चौथे बग़्य। अगर अगर वो गुनाह होता है किससे, हक तलफी की राह से, किसी का हक मार लेता है, गजब कर लेता है, हक तलफी की राह से अगर गुनाह होता है तो उसे इस्म कहा जाता है। जिंसी ख्वाहिशात की वजह से जिना हो जाता है तो जिंसी ख्वाहिशात के की राह से अगर कोई गुनाह होता है तो फहशा है, और अगर अनानियत की राह से, खुदसरी की राह से कोई गुनाह होता है तो गजब है, और अगर तुगयान और तमर्रुद और सरकशी की राह से कोई गुनाह होता है तो वह बग़्य है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बुराइयों को इन चार अनामीन में समेट दिया। कहा गया अगर कोई किसी के साथ बुराई करता है तो अगर वो माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है, वह जजाउ सय्यतिन सय्यतुन मिथ्लुहा, अगर बुराई का जवाब बुराई से दे दे उसी तरह हक है। लेकिन फमन अफा व असलहा फाजरु अल्लाह, अगर आदमी माफ कर देता है तो इसने बुराई की क्या खल्ले वल्ले गंदे, तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर उसका अजर है। अच्छा, और अगर बदला ले, वला मन इंतसर बाद जुल्म, जितना उसके ऊपर जुल्म किया गया है अगर वो इंतकाम ले ले तो उसके ऊपर कोई भी पकड़ नहीं है, वो अपना बदला ले सकता है। ये जाब्ता, ये कानून बताया गया जो एक मोतदिल कानून है इफरात और तफरीत से पाक। उसके बाद ये बयान किया गया कि मुसलमानों का मामला, हर मामला मशवरे से तय होना चाहिए। वामरुहुम शूरा बैनहुम, उनका मामला, मामला ये सूरतुश शूरा है, सूरतुश शूरा के अंदर बात कही गई
कि हर मामला मुसलमानों का मशवरे के जरिए तय होना चाहिए। सूरह जासिया आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब अजीब बातें इसके अंदर इरशाद फरमाई हैं। पहले तो ये बताया कि ये ज़मीन जिसको आप देख रहे हैं, ये दर हकीकत इसकी पैदाइश में इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ लआयातुन लिलमुमिनीन फरमाया गया। जमीन की तखलीक में अलबत्ता निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। ये जमीन हम देख रहे चल रहे हैं ना, ये कोई मामूली चीज है? गौर फरमाइए, अगर ये कद्दू की शक्ल की होती तो इसके ऊपर रहना मुहाल हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 23.5 23 डिग्री जरा झुका दिया। इसे झुकाने में हिकमत देख रहे हैं आप, अगर ये झुकाता नहीं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुतुबैन से हवाएं चलती तो खते इस्तवा पर आकर रुक जाती, वहीं से लौट जाती। बड़ी बात, इसको जो 23 डिग्री से झुका दिया है, इससे पूरी दुनिया के अंदर हवाएं पहुंच जाती है, कोने कोने में पहुंच जाती है इसी 23.5 डिग्री झुका देने की वजह से। देख रहे हैं आप, इसमें निशानियां नहीं है, ये निशानियां हैं। नहीं तो हवा चलती नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, खते इस्तवा से फिर लौट जाती, शहरों में आती ही नहीं हमारे हवा। तो ये 23.5 डिग्री जमीन का झुका देना दर हकीकत बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी निशानी। उसके बाद कहा यही नहीं, वह तशरीफ रियाह, हवाओं को हम फेरते रहते हैं इधर उधर, हवाएं फिरती रहती हैं, इसके अंदर भी बहुत बड़ी निशानी है। कैसे? पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन, ये आपकी गाड़ी चलती है, आप जो सांस लेते हैं, इसी तरीके से दरख्त सांस लेते हैं, तो ये जो पॉल्यूशन हो जाता है, इससे शहर की पूरी फदा मसमूम हो जाती है, जहर आलूद हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला दश्त से, सहरा से ताजा हवाओं को भेजता है, वो इन गंदी हवाओं को ले जाकर के सहरा के अंदर साफ करती है और पूरे शहर के अंदर एक ताजा हवा का माहौल पैदा कर दिया जाता है। ताजा हवाएं भेजता अल्लाह, वो तशरीफ रिया, हवाओं के फेर देने के अंदर भी निशानियां हैं। किसी ने बिल्कुल कहा, सच कहा, शहर की बादे तसन्नों से घुटन होने लगी। बाद लोग नुमाइशी तकवा, नुमाइशी दाढ़ी, नुमाइशी लिबास और नुमाइशी नमाजें, नुमाइशी रोजे दिखाने के लिए बहुत बड़े मुसलमान हैं। ये तसन्नो है, और इस तसन्नो को महसूस करने के बाद एक जो मोमिन होता है उसको घुटन होने लगती है। शायर ने कहा, शहर की बातें तसन्नो से घुटन होने लगी, कोई तो दश्त से मासूम हवा ले आए, पूरी फदा गंदी हो गई। तो एक फदा, एक तो ऐसा होता है कि यहाँ के पॉल्यूशन से फदा गंदी हो जाती है, वो तो मादी फदा गंदी हो जाती है, लेकिन लोग ये जो बनावटी इबादतें कर रहे हैं, इन बनावटी और तसन्न और रियाकारी की इबादतों से रूहानी दुनिया गंदी हो गई है। काश के दश्त से कोई मासूम हवा लेकर के आए और इस पूरे पॉल्यूशन को उठा करके ले जाए, कितना अच्छा का है। शहर की बातें तसन्न, तसन्नो माने बनावट, शहर की बातें तसन्नो से घुटन होने लगी।